नाउ सेकंड टॉपिक इज प्योर कैपेसिटिव सर्किट। इसमें क्या करेंगे हम, एसी वोल्टेज सोर्स है, इसके साथ एक कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे, तो जो सर्किट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। मोटिव हमारा सेम है, जो हमारी जो एसी वोल्टेज है, ठीक है, उसका रिलेशन किसके साथ फाइंड करना है, करंट के साथ, उनके बीच का फेज डिफरेंस देखना है। सेम मोटिव है जो हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पढ़ा था। तो क्या किया मैंने, कैपेसिटर के साथ वोल्टेज सोर्स लगा दिया, एसी वोल्टेज सोर्स, जिसकी वैल्यू है वी नोट साइन ओमेगा टी, क्योंकि यहां पे सिर्फ लगा तो कैपेसिटर ही है, तो ये सारी वोल्टेज इसके ऊपर ड्रॉप होगी, तो मैं क्या बोल सकता हूं, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल्स टू अप्लाइड एसी वोल्टेज। वी की वैल्यू गिवन है, यहां पे रख दी, और कैपेसिटर की जो वोल्टेज है उसका फॉर्मूला क्यू बाई सी होता है, ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ ना, क्यू इक्वल्स टू सी वी, इससे वी क्या बनेगा, क्यू बाई सी। तो ये कैपेसिटर के लिए रिलेशन होता है ना, तो मैंने ये रख दिया, इससे क्यू की वैल्यू आ गई सी, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सी वी नोट साइन ओमेगा टी। हमें क्यू एंड वी नोट के बीच तो रिलेशन निकालना नहीं है, हमें तो करंट चाहिए जी, करंट चाहिए, तो इस इक्वेशन को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, क्योंकि डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, करंट, तो डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया dq by dt इक्वल्स टू सी वी नोट डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी, क्योंकि c एंड v नोट तो कॉन्स्टेंट है, तो ये बाहर, अंदर रह गया सिर्फ साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन ओमेगा टी का तो होगा cos ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आएगा ओमेगा, जो इसके मल्टीप्लाई में आ जाता है। और अगर डिफरेंशिएशन आपको नहीं आता तो आप जाओ YouTube पे, आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी, 11th क्लास फिजिक्स में देख लो, बेसिक जो होता है ना, बेसिक एडवांस अपने को नहीं चाहिए, बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको आने चाहिए, उसके बेसिक फॉर्म में आने चाहिए। तो ये हमारा बन गया dq by dt equals to, मतलब ये करंट बन गया cv not omega cos omega t, ब्रैकेट ओपन किया, मल्टीप्लाई हो गया cv not omega cos omega t। इसके बाद क्या किया मैंने, देखो ये जो टर्म है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, v नॉट अपॉन वन माइनस ओमेगा सी, है ना, ऐसे लिख सकता हूं ना, मतलब तो सेम ही होगा, अगर मैं इसको वापिस सॉल्व करता हूं तो ओमेगा सी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ओमेगा सी v नॉट ही तो आता है, तो मतलब ये और ये सेम ही बात है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, सी ओमेगा को डिवाइड में लेगा तो वन अपॉन ओमेगा सी, और कोस ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, ये कोस थीटा के इक्वल होता है, तो मैं लिख सकता हूं साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी इक्वल्स टू कोस ओमेगा टी, एक ही बात है, मतलब ओमेगा को इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, ऐसे इंटरचेंज से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, दोनों प्लस की क्वांटिटीज हैं, तो ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, वन अपॉन ओमेगा सी को क्या लिख दिया, एक्स सी, ये क्या चीज होती है ये मैं बताऊंगा, एक मिनट बस, एक बार डेरिवेशन कंप्लीट होने दो, आई इक्वल्स टू वी नोट अपॉन एक्स सी, ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और वी नोट बाय एक्स सी इसको क्या लिख दूंगा मैं, आई नोट, ये बन गया आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, वेर आई नोट इक्वल्स टू वी नोट बाय एक्स सी एंड एक्स सी इक्वल्स टू वन बाय ओमेगा सी। अब देखो जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है उसकी एनोलॉजी से अगर अपने कंपेयर करें तो वो क्या था, वी नोट बाय आर साइन ओमेगा टी, तो ये बना था आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे आर आ रहा था, इधर क्या आ रहा है, वन अपॉन ओमेगा सी या एक्स सी आ रहा है, ठीक है, तो मतलब एक्स सी को हम क्या बोलेंगे, इसको ये एक तरह का रेसिस्टेंस ही है, जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कैपेसिटर। तो मैं क्या बोलूंगा, जब करंट फ्लो करवाते हैं तो कैपेसिटर भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करता है, उस डिस्टरबेंस को क्या बोलते हैं अपने, उस डिस्टरबेंस को अपने क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब एक तरह का अगर लोकल लैंग्वेज में अपने बात करें तो कैपेसिटर का रेसिस्टेंस ही क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने एक्स सी से, और वैल्यू होती है वन अपॉन ओमेगा सी, वन अपॉन ओमेगा सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। और आई का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, V का फॉर्मूला हमारे पास था, दोनों के बीच आप फेज डिफरेंस दे सकते हो, इधर आ रहा है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, इधर आ रहा है साइन ओमेगा टी, मतलब करंट वाले फॉर्मूले में प्लस पाई बाई टू है, तो हम बोल सकते हैं कि जो करंट की एसी वेव होगी
या करंट बोल दे अपने, एसी करंट है, वो वोल्टेज से पाई बाई टू फेज एंगल आगे होगा। ये हमने मैथमेटिकली देख लिया। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होगा, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज से पाई बाई टू एंगल आगे होगा। ऐसे याद रख सकते हो, प्योर कैपेसिटिव सी, सी फॉर कैपेसिटर, सी फॉर करंट, तो मतलब प्योर कैपेसिटिव में करंट पाई बाई टू एंगल से लीड करेगा, पाई बाई टू एंगल से लीड करेगा। तो इसकी अगर वेव फॉर्म अपने बनाए तो वेव फॉर्म कैसे बनाएंगे, पहले फेजर डायग्राम ही देख लो, फेजर डायग्राम देख लो, फिर वेव फॉर्म देख लेंगे। फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, जैसे देखो ये अंदर का सर्कल करंट का है, बाहर का सर्कल वोल्टेज का है। अगर वोल्टेज को मैं इस एरो से किधर भी ले सकते हो, इधर इधर, मतलब जनरल केस मैंने लिया, जैसे इस एरो से रिप्रेजेंट किया, तो करंट ने क्या करना है, इससे पाई बाई टू एंगल आगे रहना है। तो मैं पाई बाई टू एंगल इससे आगे, तो इसको इधर ले जाएंगे, ये पाई बाई टू एंगल आगे इधर, तो करंट को इस फेजर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये वोल्टेज की फेजर, ये करंट की फेजर, मतलब जब हमको आगे जाना होता है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ना होता है फेजर डायग्राम में। तो अगर इसको एक्सिस पे दिखाऊं तो मैं कैसे दिखाऊंगा, अगर ये वोल्टेज है तो करंट इस तरफ होगा पाई बाई टू एंगल आगे, 90 डिग्री आगे। तो ऐसे करके इसका ये फेजर डायग्राम बन गया, और इसका बहुत ज्यादा यूज होगा, देखना इतनी ईजी कैलकुलेशन कर देंगे ना ये फेजर डायग्राम एलसीआर सर्किट की, कि आप बोलोगे कि एलसीआर सर्किट होगा दूसरों के लिए मुश्किल, हमारे लिए तो इससे आसान कोई टॉपिक ही नहीं है, देखते जाओ बस। अब वापिस आते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे। डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी, डिस्टरबेंस क्रिएटेड बाय कैपेसिटर इन द फ्लो ऑफ करंट। इसको थोड़ा और ब्रीफ में ले जाते हैं। देखो एक्ससी का फॉर्मूला क्या आया, एक्ससी का फॉर्मूला क्या है, वन अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है, और हमको पता है ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, टू पाई एफ, एफ इज द लीनियर फ्रिक्वेंसी, एफ ओमेगा इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी। पढ़ो है ना, अरे 11th क्लास में हमने रिलेशन पढ़े हुए हैं, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, टू पाई बाई टी भी होती है और टू पाई एफ भी होती है। लीनियर फ्रिक्वेंसी ये टाइम पीरियड होता है, ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है। तो ओमेगा की वैल्यू मैंने रख दी टू पाई एफ। ये एक नंबर में कई बार ग्राफ आया हुआ है एग्जाम में कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड फ्रिक्वेंसी के बीच ग्राफ बनाओ, तो साफ पता लग रहा है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रिक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे जैसे एफ की वैल्यू बढ़ेगी एक्स सी की वैल्यू घटती जाएगी, तो ऐसा सा कुछ ग्राफ बनेगा, बिकॉज एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। एक तो ये हो गया, और वन मार्क का क्वेश्चन आया था कि जो कैपेसिटर है वो डीसी को ब्लॉक क्यों करता है, वो हम कैसे देख सकते हैं। देखो एक्स सी का फॉर्मूला क्या, वन अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। अब जो डीसी करंट होता है, डीसी करंट होता है, उसमें तो कोई फ्लक्चुएशन होते ही नहीं, वो तो सीधा होता है ना, वो डायरेक्शन बदले ना वो अपनी वैल्यू बदले। अगर जिस जो अपनी डायरेक्शन ही नहीं बदलता तो उसमें फ्रिक्वेंसी की तो कोई बात ही नहीं, उसकी फिर एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होगी, जीरो, है ना, मतलब अपने जैसे फ्रिक्वेंसी क्या बोलते हैं कि वन सेकंड में कितने साइकिल लगा रहे हैं, ये तो इसकी तो वैल्यू नहीं चेंज हो रही, तो एक इसका तो कोई साइकिल कंप्लीट हो ही नहीं रहा, तो जीरो साइकिल बोलेंगे अपने, वन सेकंड में जीरो साइकिल लगा रहे हैं, तो ओमेगा की वैल्यू जीरो, ओमेगा जीरो, तो डिवाइड में जीरो, वन अपॉन जीरो इन्फानाइट, तो एक्स सी की वैल्यू क्या आ गई, इन्फानाइट। मतलब अगर हम क्या करें, कैपेसिटर में से डीसी करंट को फ्लो करवाएं, तो कैपेसिटर है वो इनफाइनाइट कैपेसिटिव रिएक्टेंस प्रोवाइड करवा देता है। अगर डिस्टरबेंस इनफाइनाइट होगी तो क्या वहां पे करंट चलेगा, नहीं चलेगा। तो इसलिए कैपेसिटर क्या करता है, जो डीसी करंट है उसको ब्लॉक कर देता है, डीसी करंट को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। इसीलिए तो कैपेसिटर चार्ज होते हैं। देखो जैसे मैंने ये बैटरी है, सॉरी कैपेसिटर है, यहाँ पे मैंने बैटरी लगाई, बैटरी क्या करता है, बैटरी क्या करती है, धीरे धीरे शुरू में पहले इसको चार्ज करती है, जब फुल चार्ज हो जाता है तो हम क्या बोल देते हैं कि अब इस ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, अब यहाँ पे कोई भी करंट नहीं चलेगा। जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है तो बैटरी का कोई करंट चल ही नहीं पाता, क्यों, तो कैपेसिटर क्या करता है, डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है, फ्लो होने नहीं देता। तो ये हमने पढ़ा हुआ है सेकेंड चैप्टर में चार्जिंग वाले में, कि कैपेसिटर की चार्जिंग कैसे होती है और डीसी को ब्लॉक कैसे करता है, वो हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस की फॉर्म में भी देख लिया कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होती है कैपेसिटर के लिए, तो इसलिए ये डीसी को ब्लॉक करता है। अब लास्ट रह गया वेव फॉर्म बनाना, ग्राफ बनाना। अब वी की वैल्यू क्या थी, वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज का ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे साइन का ग्राफ बनता है, ये बन गया।
करंट की वैल्यू क्या है, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, मतलब करंट को क्या रहना है, पाई बाई टू फेज एंगल आगे रहना है। तो इसका मतलब ये पाई बाई टू आगे रहने का मतलब क्या, जब वोल्टेज की वैल्यू जीरो होगी तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो इसका मतलब ये यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे करके इसका करंट का ग्राफ बनेगा। जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम, करंट की वैल्यू, ये थोड़ा सा गलत बन गया, यहां से जाना चाहिए, करंट की वैल्यू जीरो। और इसको मैथमेटिकली भी अपने देख सकते हैं, जैसे देखो ग्राफ यहां से स्टार्ट क्यों होना चाहिए, आप क्या करो दोनों इक्वेशंस में टी की वैल्यू जीरो पुट कर दो, टी की वैल्यू यहां पे जीरो पुट करोगे तो ये जीरो, साइन जीरो जीरो, तो वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी जीरो, तो टी जीरो पे वोल्टेज की वैल्यू क्या आनी चाहिए जीरो। और इसमें टी इक्वल्स टू जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा, ओमेगा टी, ये तो जीरो हो गया लेकिन पाई बाई टू प्लस आएगा साथ में, जीरो प्लस पाई बाई टू तो पाई बाई टू रह जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी आई इक्वल्स टू आई नोट साइन पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है वन, तो आई इक्वल्स टू क्या बन गया आई नोट। इसका मतलब टी इक्वल्स टू जीरो टाइम, ये वाला टाइम, इसमें वोल्टेज तो जीरो होगी लेकिन करंट क्या होगा आई नोट मैक्सिमम होगा। तो इससे पता लगता है कि वोल्टेज तो जीरो से स्टार्ट होगी और जो करंट है ये मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होगा, ऐसे करके इसका ग्राफ बनेगा। और करंट क्या होता है इसमें, पाई बाई टू फेज एंगल आगे। तो ये था अपना प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अभी कल हम क्या पढ़ेंगे, प्योर इंडक्टिव सर्किट, फिर उसके बाद में कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीक LCR सर्किट को कंप्लीट कर लेंगे और फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और सभी नोट्स साथ साथ बना लेना। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।